हमारी अमन संधू एंड साफी कौर, और वहाँ पीछे बैठी हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर, आप छुपिए मत, आइए मैम, ज्योति गिल मैम। एंड यहाँ पे हम एक जन को मिस कर रहे हैं। किसको? ए वन एंड ओनली द डॉन सिनेमा ओनर मिस्टर महमूद अली सर। सो दिस इज द ब्यूटीफुल टीम ऑफ विक्टिम। तो अभी हम यहाँ जो हमारे भाई बड़ा अजीब सा बहुत अजीब सा करता है। वैसे क्या मतलब कैसा कौन से सफर के बारे में बात करें, फिल्म के बारे में? मेरे सफर की सफर नहीं बता सकते, बट फिल्म का सफर बहुत अच्छा था। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो एक पॉजिटिव थॉट लेके स्टार्ट किया था, और उसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोगों ने फिल्म एंड भी करी है। जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो एक पॉजिटिव थॉट लेके स्टार्ट किया था, और पॉजिटिव थॉट के साथ ही उन्होंने एंड किए। और थैंक यू सो मच महमूद सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये मतलब एक ट्रस्ट है उनका, मतलब बिना मेरे रशेस देखे हुए, बिना सारी चीज़ें देखे हुए मुझे बोल दिया था कि जब ठीक है तेरा प्रोजेक्ट है कर, मुझे पता है क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो सर थैंक यू सो मच। असल में ये ट्रस्ट की वजह थी कि 2013 में मैंने इनकी एक फिल्म रिलीज़ की थी, रूम द मिस्ट्री, एक बजट फिल्म थी जिसमें मैंने 4-5 करोड़ रुपये कमाए थे। तो ये ट्रस्ट वहाँ से पैदा हुआ तो मुझे मालूम है कि फैजल पैसे कमा के देने वाला बंदा है। थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको शूट करने में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा, मतलब मेरा बहुत अच्छा था पर्सनली, बाकी अमन और मोहित अपना शेयर कर लेंगे। जहाँ तक सर ने ट्रस्ट की बात की तो ऑब्वियसली ट्रस्ट तो था ही फैजल पे मुझे, हमने पहले भी काम किया हुआ है। तो जब मुझे फैजल ने कहानी सुनाई थी तो सेम डे आई थिंक हमने इसने मुझे बोला था बाल मत कटवाना बस, तो मेरी जो मेहनत थी फिल्म में वो बाल ना कटवाने की थी, दैट्स इट। हेलो हाय एवरीवन, फिल्म का सफ़र हमारा बहुत बहुत अच्छा था, एंड स्पेशली मैं थैंक्स रणविजय जी को कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड थैंक यू सो मच रणविजय, आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि आप हर प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट ओपिनियन मुझे देते हैं कि हाँ अमन बहुत अच्छा करेगी। मेरा ये ओपिनियन है कि इससे बेटर मेरे लिए प्रोजेक्ट में काम कोई अच्छा नहीं करता, एंड थैंक यू वेरी मच इतना ट्रस्ट करने के लिए। एंड फैजल सर थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से काम करवाया और बहुत मेहनत की हम सब पर, ऑब्वियसली हमने भी बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड महमूद सर थैंक यू सो मच फॉर द लवली अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। का थैंक यू करना चाहूँगा, सबसे पहले अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, स्पेशली मीडिया, थैंक यू। और अब फिल्म की बात करते हैं तो सबसे पहले फैजल भाई मेरे पास आए थे स्क्रिप्ट लेके कि भाई ऐसी ऐसी है और प्रदीप बजाज के लिए मैं तेरे को चाह रहा हूँ कि तू प्ले करे उसको। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा भाई मज़ा तो आएगा करने में। उनके बाद ही मैं अपने रणविजय भाई से, बाकी टीम से मिला, सब एक्टर से मिला, रीडिंग्स हुई हमारी, सब ने बहुत काम किया है, ऊपर नीचे हर चीज़ होती है, सेट पर होती है, सब कुछ होता है, मगर काम मेहनत आप सभी को यहाँ दिख रही है। और जल्दी 14 फरवरी को सब अपने लैपटॉप्स फ़ोन में आराम से देख सकते हैं। थैंक यू महमूद सर, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी रीच दे रहे हैं हमारी फिल्म को। एक्टर को और क्या चाहिए यार, अगर ऑडियंस तक अच्छी रीच चली जाए उसका सब कुछ हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं निहाल एंड फैजल सर को अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस चीज़ के लिए, एंड दे वर सो कोऑपरेटिव, एंड इट वॉज अ फैब लाइक एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया काम करके। मेरा काम कम था बट इट वॉज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी and to be a part of this such team, thank you so much. Yahan pe hum ek jan ko hi everybody, namaskar, aadab, bahut shandar trailer tha, bahut hi acha trailer tha, mujhe laga mujhe आकर के यहाँ बहुत खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब जवान टीम होती है, ख़ास करके निहाल, मतलब निहाल को देख के कौन बोलेगा यार कि तू प्रोड्यूसर है, मतलब मैं जब मुझे बोला तो मैंने कहा नहीं तो झूठ बोल रहा है, तू पैसे देगा क्या? और मैंने उसको पूरे
दिन शूटिंग में जिस तरह से मैंने सीन, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कौन बोलेगा इसको, अभी तो जैकेट वैकेट डाल लिया इसने, बहुत ही सिंपल बिल्कुल ऐसा खड़े हो जाना, आ गया सर कुछ ही चीज़ की जरूरत पानी, तो मैंने कहा यार ये स्पॉट बॉय तो नहीं गए. बट द सिंसियरिटी, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ 60 साल का 50 साल का तोंद वाला मोटा सा आदमी कोट पहन के ये बुटू सर, ऐसी बात नहीं. तो सबसे अच्छी बात ये थी कि टीम पूरी यंग टीम, फिर धीरे 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 सेट पे गया तो फैजल उसका काम देख के मज़ा आ गया. और सबसे खास बात, मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ जिससे, वो थे रन विजय सिंह द कोरियोग्राफर. कोरियोग्राफर को जब सेट पे, मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये आदमी, इस आदमी का फोकस जो है वो सिर्फ मेकिंग में है और मेरी लाइटिंग में है और मेरा कैसा काम होना चाहिए और कितनी जल्दी होना चाहिए और कितना अच्छा होना चाहिए. मतलब ये बहुत कम मैंने देखा. मैंने इतनी सारी फिल्मों में मैंने काम किया, बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर के साथ मैंने काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया. तो ये कॉम्बिनेशन जो है इनका, ये टीम का जो कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा लगा. निहाल, रन विजय सिंह और फैजल खान, और उसके बाद उनके साथ अगर डॉन हो जाए तो मेरा आप सोच लो, डॉन. डॉन सुना है महमूद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, और मैंने इनका एक प्रोजेक्ट भी किया हुआ है ना, ये लोगों ने मुझे कास्ट किया हुआ. जी 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 जी. तो बहुत खुशी हुई और आई विश ऑल द बेस्ट टू होल टीम और सारे कलाकारों ने जिस तरह से काम किया है, जितने भी मेन काम जिन लोगों ने, आप लोगों ने. और ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और उम्मीद है कि जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो फिर फिल्म कैसी होगी. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय. गुड इवनिंग दोस्तों, शुक्रिया अदा करूँगा निहाल जी का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, और मुश्ताक जी ने तो बता दिए उनके बारे में, लगते नहीं यंग प्रोड्यूसर है और इंशाल्लाह बहुत नाम रोशन करेंगे. मैं इनका दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और दोनों में मेरा अलग अलग रोल है, एक मैं इंस्पेक्टर हूँ जो पहली बार मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, एक सीरियस करेक्टर है और एक करेक्टर है दूसरे वेब सीरीज में बलवारी. और मेरी खुश नसीब है कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया. और महमूद साहब की फिल्म मैंने किया है जिस फिल्म का नाम है बाजार. और मुझे 15 साल पहले उन्होंने बड़ा अच्छा मौका दिया था महमूद साहब ने बाजार में, और आज और शुक्रिया अदा करता हूँ कि निहाल भाई का, निहाल भाई की फिल्म भी इसी प्लेटफॉर्म से आ रही है. मैं सारी टीमों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. महमूद भाई जान का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वैसे भी मैं महमूद भाई का फैन हूँ, कॉमेडियन, और यह इनको ये भाई है, ये कॉमेडी करवाते हैं, वो कॉमेडी करते थे. तो इन दोनों को देख के मैं कहना चाहूँगा, महमूद मेरे, महमूद मेरे, तू है तो सिनेमा कितना हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है. तो डॉन सिनेमा के हमारे करता दाता महमूद भाई और मेरे गुरु, मेरे उस्ताद मुश्ताक भाई, हालांकि जिस तरह से इनकी मुझे इनको मुश्ताक भाई कहना चाहिए, मुश्ताश भाई, और वर्ल्ड में रेपिस्ट डॉन हैदर अली, हैदर भाई. और निहाल, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, हमने आपने हमें इनवाइट किया है यहाँ पर इतना अच्छा, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है नए साल की. जनवरी में ये एक ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत हो रही, भगवान करे 2021 में 21 फिल्में बनाओ और हर फिल्म तुम्हारी 2000 कमाए, करोड़ कमाए, 2000 करोड़ कमाए. एंड ये जितने हैंडसम हैंडसम लोग हैं, भले मैं आज का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कल प्राउडली कहूँगा कि फोटो देख रहे हो, ये सुपरस्टार, इनके साथ में हमने फंक्शन किया है. तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाले ज़माने के सुपरस्टार हैं आप. बाकी जो ऑडियंस है वो बैठी है, ये मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को मैं कहता हूँ कि इनका तो हर कोई सुनता है, आप अगर कुछ भी सुनाना चाहे, लेकिन पूरी दुनिया में सुना जाता है और सब डरते भी इनसे. अरे प्रेस का मतलब होता है दबाना, प्रेस. तो प्रेस को हम इम्प्रेस करते रहेंगे और आप लोग भी हमारी बात को, ये जो फिल्म आ रही है
इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाइए, आशीर्वाद दीजिए, और यही गठबंधन जो है रियल गठबंधन है हमारे बॉलीवुड का। और इस तरह से अगर आपने हमें प्रमोट किया तो हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कि सब गड़बड़ चल रहा है मामला, तो फिर से जोश जोश लगाकर शुरू करना है। और एक बार जोर से मेरे साथ में कहिए, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, वेब सीरीज भी जिंदाबाद, मगर गालियां मत देना उसको, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि सिर्फ अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पायर करता है लोगों को, बहुत अच्छा बिजनेस चला है, यंग एज में बिजनेसमैन बन गया है। तो मेरा कैरेक्टर प्रदीप बजाज वही है, बाकी आप लोग जब फिल्म देखेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लगे और अच्छा लगे, होप सो। तो ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, उनका एक विजन था जो स्टार्टिंग से ही था, तो जो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। सेट पे भी कुछ भी ऊपर चीज़ें नीचे होती थी, टेक हमें चाहे 3 ज़्यादा लेने होते थे, बट उनको जो चाहिए वही चाहिए था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। उन्होंने कभी भी सीन्स को लेके हमें बांध के नहीं रखा, उन्होंने हमेशा बोला है कि जो आपको लग रहा है आप अपना ओपिनियन दो। कभी भी कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरे को ये चाहिए तो तू यही कर, वो एक्टर की कोई एडवाइस नहीं लेते, मगर फैजल भाई बहुत अच्छे से बात कर पा रहे थे, हम उन तक कन्वे कर रहे थे चीज़ें। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो सेटिस्फाई होके हमें करने दे रहे थे हमारी चीज़ें, वो कभी भी हमें रोकते नहीं थे कि नहीं ये सीन ऐसे मत करो, वो बोलते थे तू कर, मेरे को जहाँ भी लगेगा मैं बताऊँगा। सो इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, हम्बल है, कोई गुस्सा नहीं आता, गाली गलौज नो गाली गलौज सेट पे। और निहाल जी के बारे में बोलना चाहूँगा, तो मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो मेरे को लगा था कि हम 4 बंदे मीटिंग में बैठे हैं, तो मैंने कहा कोई एक्टर होगा, तो बाद में पता लगा जब इंट्रोड्यूस हुआ कि प्रोड्यूसर है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा थोड़ा पर्सनैलिटी बनाओ प्रोड्यूसर वाली, दिखना तो चाहिए प्रोड्यूसर। बट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत हम्बल है, और सेट पे कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ अरेंजमेंट थी, हर चीज़ अच्छे से टाइम से हो रही थी। सो इज़ अ वेरी हम्बल गाय, और टीम तो कमाल है ही। लास्टली महमूद भाई के बारे में जो डॉन सिनेमा कौन है उनसे, हाँ महमूद हमें पता नहीं था पहले कि डॉन सिनेमा में जाने वाली है, क्योंकि एक्टर से सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब जैसे चीज़ें धीरे धीरे होती गई, हम ऑन बोर्ड आए, शूटिंग शुरू हुई, तब पता लगा कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका नाम डॉन सिनेमा है, तो जिस चीज़ पे हमारा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम भी उसे सर्च करेंगे। तो हमने सर्च वर्च किया तो देखा कि हाँ अच्छा एक एप्लीकेशन है जिसकी रीच बढ़ रही है धीरे धीरे, और उसको अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। और ये सबसे अच्छी बात लगी कि ये एक अच्छा कंटेंट अप्रोच कर रहे हैं व्यूअर्स तक, पब्लिक तक, क्योंकि जब तक कोई अच्छा कंटेंट नहीं बनाएगा उसका नाम नहीं होगा। आज के दिन आप सभी को पता है कि OTT पे क्या क्या बन रहा है, कैसी कैसी चीज़ें आ रही, इतना कमाल कर रहा है अपना बॉलीवुड सिनेमा जो कि हम बोल नहीं सकते। तो आजकल इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, और सबसे अच्छी बात है कि महमूद भाई ने नए लोगों को चांसेस दिया और उनको वो पुश करना चाहते हैं कि हाँ आप लोग अपना टैलेंट दिखाइए, जो आपके पास लाइए हम प्रोड्यूस करेंगे। नहीं तो आजकल सब ये चाहते हैं कि सबको नाम ही चेहरा चाहिए, तो जो आते हैं लोग मेहनत करते हैं उनके बारे में कौन सोचेगा। लास्टली अबाउट यू, आपने जो पास प्रोजेक्ट किया जो आगे करने वाले उसके अनुरूप जी क्या किया? मैंने एक नेटफ्लिक्स पे मेरी फिल्म है पेनल्टी, KK मैनन, शशांक अरोड़ा, मनजोत सिंह के साथ, तो उसमें मैंने नेगेटिव प्ले किया। एक मेरी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शॉर्ट फिल्म है गुटरगू, आप देख सकते हैं उसे। और एक टीवी सीरियल कर चुका हूँ मैं एज ए लीड, परफेक्ट पति। उसके अलावा काफ़ी एड्स किए मैंने साउथ इंडस्ट्री में, तेलुगु, तमिल, बोथ द लैंग्वेजेस। अभी एक तेलुगु की मैं फिल्म भी कर रहा हूँ एज ए लीड ओनली। और काफ़ी वीडियो सॉन्ग्स किए हुए हैं, एड्स किए हुए हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ, अक्षय सर के साथ एक बार काम किया था। सो थैंक यू बॉम्बे, अच्छा लग रहा है। और सबसे यार आप लोग कमाल हो, आप बहुत मेहनत करते हो सच में बिहाइंड द फील्ड सर्च में, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। आप सभी ने ट्रेलर देखा, आई एम श्योर आप सबको पसंद आया होगा। तो मूवी में मैं एक साइको किलर प्ले कर रहा हूँ, जो शायद आपको टीजर से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा कि मेरा काम ये है कि लड़कियों को उठा के लाओ, उनको अलग अलग तरीके से उनका मर्डर करो। तो फिल्म में देखना ये है कि ये बंदा मर्डर कर क्यों रहा है। मैंने पॉजिटिव प्ले किया है, ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे नेगेटिव प्ले करना था। तो ऑब्वियसली जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे आज तक पॉजिटिवली देखती भी आई है, उनके लिए मैंने थोड़ा एफर्ट डाला है कि मुझे वो एक नेगेटिव किरदार में देखे, तो और मैं जस्टिस कर पाऊँ इसके लिए मैंने बहुत एफर्ट दिया है। वो आप लोगों को मूवी में देखने को मिलेगा। अभी आपने जो ट्रेलर देखा है
वो एक छोटे से प्रसाद की तरह था जो भूख बढ़ाता है। तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपके सामने सब आ जाएगा कि क्यों ये ऐसा करता है, किस लिए करता है, इसका मोटिव क्या है, और जो मैंने एफर्ट दिए हैं वो सब आपके सामने। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फैजल खान और जो प्रोड्यूसर नेहा सिंह के साथ एक कैसा था इक्वेशन आपका उनके साथ? सॉरी, हाउ वाज द इक्वेशन विद डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर? हाँ, इक्वेशन हमारी बहुत अच्छी है। फैजल खान के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। तो मिस्टर बजाज जो इसमें विलन है, एंड वो ये आपको देख के पता चलेगा कि विलन है कि हीरो है। स्टोरी लाइन इज लाइक एज यू कैन सी विक्टिम, आई विल मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट इट्स लाइक यू नो थ्रिलर, कम्प्लीटली थ्रिलर काइंड ऑफ है। कौन इसमें असल में विक्टिम है और कौन नहीं है, हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, तो ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर आप लोगों ने वैसे देख लिया होगा। सो मेरा मेन करेक्टर मिस्टर बजाज की वाइफ का है, शी इज़ अ बिजनेस वूमेन इन दिस मूवी, एंड थ्रू आउट जर्नी में कैसे वो इन आउट उनका चलता रहता है वो आपको देखने का मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, बट इट्स नॉट लाइक इट्स अ प्रोमिनेंट करेक्टर, इट्स नॉट लाइक थ्रू आउट द मूवी, बट इट्स इन ऑफ एंड ऑफ वो ये करेक्टर चलता है। निहाल एंड फैजल दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग। मैंने मुझे अपॉर्चुनिटी निहाल एंड फैजल दोनों ने दी थी और काफ़ी मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके। एंड फैजल सर इज़ लाइक ही इज़ सो यू नो फ्लेक्सीबल, और इतना कम्फर्ट जोन में रखते हैं कि इनकेस कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो ही मेक्स अ आर्टिस्ट कम्फर्टेबल ऑन द सेट कि वो अच्छे से वो किरदार को कर पाएँ। एंड निहाल इज़ लाइक वेरी जॉली काइंड ऑफ, ही इज़ नॉट लाइक अ प्रोड्यूसर, कि वेरी फ्रेंडली जोन में रखते हैं सबको, कम्फर्टेबल जोन में रखते हैं। मैंने रिसेंटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने एक मलयालम प्रोजेक्ट किया था फहाद फाजिल के साथ, दैट्स अ मलयालम प्रोजेक्ट। एंड माई अपकमिंग प्रोजेक्ट इज फॉर अमेजॉन प्राइम, दैट्स आई एम गोइंग टू डू अनदर वेब सीरीज, दैट्स फॉर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट आई कैन रिवील द डिटेल्स ऑफ इट, इट्स जस्ट फॉर द अमेजॉन प्राइम एज ऑफ नाउ, आई कैन से अबाउट इट। थैंक यू। जो डायरेक्टर हैं, जैसा कि आपने तारीफ की उनके बारे में कि काफ़ी प्रॉफिटेबल डायरेक्टर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्यों उनको आप सपोर्ट किए इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में कुछ बताइए कि क्यों उनको सपोर्ट किया आपने? नहीं, ये जब फिल्म मेरे पास आई फैजल के साथ, मैंने ऑलरेडी 2013 में एक फिल्म की थी रूम द मिस्ट्री, जो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा रहा था मेरे लिए। उस वक्त में मेरी कंपनी पेन एंड कैमरा थी, तो मैंने अच्छा पैसे कमाए थे उसमें, मैं सरेआम बोलता हूँ। और जब ये मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो जैसे हमने रूम किए थे उसी लेवल पे कर रहे। मैंने बोला कि मुझे भरोसा है तुम पे, एक बार मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए। एक बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने उनको इमिडिएटली गो हेड कहा। और जब निहाल आया मेरे पास में, यंग प्रोड्यूसर डायनेमिक, तो मुझे लगा कि फिल्म अच्छी बनेगी क्योंकि टीम यंग है, तो यंग टीम आज के वक्त में वेब सीरीज़ के दौर में, ओरिजिनल के दौर में काफ़ी जो टीम काम कर रही है वो यंग टीम है। ये ऑनलाइन मूवी थिएटर जो हमने लॉन्च किया था 2019 दिसंबर में, तो उस वक्त लोग मुझ पर हंसे थे। हमने टैगलाइन दिया था आपका अपना मल्टीप्लेक्स, तो लोगों को लगता था यार अभी तो OTT आया है इंडिया में, अभी OMT कहाँ से आएगा। जब मैंने लॉकडाउन में पहली फिल्म मेरी थी यारम, जो काफ़ी बड़ा बिजनेस की, 27 लाख का ट्रैफिक था फिल्म पे, तो लोगों को लगने लगा कि फिल्म एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल जैसे रिलीज़ हो सकती है OTT पे, और वहाँ से लोगों ने रिलीज़ करना शुरू की और मल्टीप्लेक्स जो सिस्टम है वो OTT पर आया। तो टच वुड वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो हमने ये सिस्टम लेकर आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं बेसिकली आपको प्रोजेक्ट सपोर्ट करने के लिए, क्या कंटेंट होता है, क्या ऐसी चीज़ों की इंडस्ट्री के बारे में? मैं इरोटिक छोड़ के, मैं जब लॉन्च किया था उसी वक्त में मैंने कहा था कि मैं इरोटिक नहीं लूँगा, तो इरोटिक छोड़ के मैं बाकी सब चीज़ें ले रहा हूँ। मेरा एक ही एज एन राइटर मैंने करियर शुरू किया था, तो मुझे एक ही हमारा फंडा है कि कोई भी चीज़ हो, कौन ला रहा है हम नहीं देखते, किसने लिखा है हम नहीं देखते, हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास आई है चीज़ तो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, दैट्स शिट। हम उसके अलावा कोई चीज़ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं एज एन स्ट्रगलर इस इंडस्ट्री में मेहनत से आगे आया हूँ, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को उस मेहनत का, आज अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है और किसी के पास भी अच्छी चीज़ है तो उसको वो प्लेटफॉर्म को मुझे जगह देना चाहिए मेरे प्लेटफॉर्म। अमेजिंग, जब मैंने फिल्म का प्रीव्यू देखा, मैं एक्सपेक्टेशन, मैं असल में टाल रहा था कि मैं नहीं देखूँ, मेरी टीम देखे,
और काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल, तो मैं सोचा था कि प्रीव्यू के लिए 2 घंटा कैसे निकाले, लेकिन जब मैं ये भी मेरे छाती पे बैठे हुए थे, नहीं सर आपको आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी मैं 1 घंटा शॉक में था कि यार अगर नहीं देखता तो चुक जाता, प्रमोशन में कुछ गड़बड़ हो जाती मेरे से। जेन्युइनली ये लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, स्पेशली एक्ट्रेस, सब लोगों ने मिलकर जो परफॉर्मेंस दिया है, आप 1.5 घंटे की फिल्म में 1 मिनट के लिए भी नज़र नहीं हटा सकते, डैट इज़ माई चैलेंज। नमस्कार एंड सत श्री अकाल, मैं हूं अमन संधू जी। पूछें आप अपने अमन जी, जानना चाहूंगा ये जो प्रोजेक्ट है काफी मतलब स्ट्रांग कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, डायरेक्टर फैजल जी के बारे में और निहाल सिंह जो प्रोड्यूसर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रोजेक्ट बहुत ही जो कंटेंट है बहुत स्ट्रांग है, एंड आई रियली हैप्पी कि मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा किरदार निभाने के लिए मिला है, एंड मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं बहुत अच्छे से मैंने इसको प्ले किया है, एंड आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगेगा ये करेक्टर। एंड निहाल जी ही इज़ अ वेरी गुड गाय, एंड लाइक जैसे अभी अंदर भी कहा था कि उन्हें ऐसी प्रोड्यूसर्स वाले कोई लाइक यू नो एक एटीट्यूड नहीं है कि हाँ जो एटीट्यूड दिखाते हैं, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बहुत ही नॉर्मली सेट पे कभी भी यू नो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, इतना पोलाइटली सारा शूट हो गया, एंड आई मीन किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ ही नहीं है, इज़ अ वेरी गुड गाय, एंड नो डाउट हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने तो बहुत कमाल का काम किया है, एंड हमसे भी बहुत मेहनत कराई, जो कि सभी आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरे को एक्टर कुलदीप सिंह, मोहित नैन एंड साफ़ी, बहुत फैब एक्टर्स हैं तीनों, एंड बहुत मज़ा आया इन सबके साथ काम करके, एंड वेरी ग्लैड कि प्रोजेक्ट जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बन गया है। सो बेसिकली वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म का इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट हो गया, क्या कहना चाहेंगे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, या एज एन आर्टिस्ट कितना कैपेबल प्रूव करने के लिए कितना मिल रहा है आपको मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म में? सी आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं मुझे जितना मिल रहा है मैं उसमें मुझे बहुत अच्छा फेम भी मिल रहा है, बहुत अच्छा नाम भी मिल रहा है, एंड यू नो वेब सीरीज़ का इतना ज़्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि लाइक इट्स डिपेंड कि आप कंटेंट कैसा बनाते हैं, राइट? वेब सीरीज़ तो बहुत सारी आ रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बहुत सारी आ रही हैं, इवन बहुत सारी फिल्म्स भी आ रही हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, तो हमारा कंटेंट लाइक बहुत स्ट्रांग है, एंड आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा वो। ओके, सो बेसिकली मेरा पहले टीवी में ज़्यादा था, सो उसके बाद मैंने पंजाबी फिल्म्स में लाइक आई ऑलवेज वांटेड कि मैं पंजाबी फिल्में करूँ, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पंजाबी है, एंड माय फैमिली आल्सो वांट्स कि मैं पंजाबी प्रोजेक्ट्स करूँ, राइट? तो मैंने की थी अभी 2019 में विलायती यंत्र, जो अभी इसी ईयर में रिलीज़ है, एंड सेकेंड अभी एक और वेब सीरीज़ की है काला शहर, दैट्स ऑल्सो पंजाबी फिल्म, सो जल्दी वो भी रिलीज़ होगी, एंड एक और अच्छी फिल्म सरप्राइज़ है सबके लिए, एंड फिलहाल ये विक्टम रिलीज़ हो जाए 14 फरवरी को, एंड आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगी, एंड आई एम श्योर पसंद आएगी सबको, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, जैसे आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को जितने भी मेरे फैंस सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, एंड मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट को भी उतना ही प्यार दें जितना मेरे सब बाकी प्रोजेक्ट्स को दिया है। थैंक यू सो मच। देखिए डॉन सिनेमा जो है नाम से ही हिट है, क्योंकि बच्चन साहब की फिल्म आई थी अरे दीवानो मुझे पहचानो, उस सिनेमा का नाम डॉन था, वो सुपर हिट थी और आज तक बच्चन साहब की सबसे श्रेष्ठ फिल्मों में उसे कहा जाता है, तो ये नाम ही, ये टाइटल ही, ये अपने आप में एक ऊर्जा देता है, एक एनर्जी देता है, एक यू नो मस्ती देता है, तो मुझे लगता है कि डॉन नाम से कुछ भी शुरू किया जाए तो चाहे वो कोई भी डॉन हो वो एक हलचल तो मचा देता है, तो इस डॉन सिनेमा के तहत मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त DCP होने वाला है, मतलब डॉन सिनेमा प्लेटफॉर्म होने वाला है, और इसमें जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उसमें खूबसूरत लोग काम करेंगे, खूबसूरत काम करेंगे, और जितनी वेब सीरीज़ अभी इन दिनों आ रही है तिकड़मबाज उनसे अलग होगी, उनसे स्पेशली हिंदुस्तानी होगी, हिंदुस्तान की हर चीज़ का, हर सम्मान का, हर श्रद्धा का ध्यान रखते हुए किया जाएगा, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो परिवार के साथ मैं आप ना देख सकूं, तो मैं डॉन सिनेमा का वैसे भी दीवाना हूं, फ़ैन हूं, और अब ये जो शुरू हुई है ये फिल्म बन रही है विक्टिम, हाँ तो वो बहुत अच्छा, और निहाल मेरे दोस्त हैं, मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे हैदर भाई तो काम करते ही जा रहे हैं,
और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनको हाथों हाथ लेती है। तो मैं तमाम सभी पूरे ग्रुप की तरफ से आप सबको जनवरी के इस महीने में मैं समझता हूँ कि ये डॉन सिनेमा नहीं, ये एंटरटेनमेंट की वैक्सीन है, ये आ गई है। अब आप स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे और पूरे परिवार के साथ आपको हर हाल में, जैसे कहते हैं कि थिएटर का मज़ा होम थिएटर में मिलेगा और आप खुश रहेंगे हर हाल, ऐसी दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। देखिए भाई ने बहुत ही सही कहा, डॉन सिनेमा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सब लोग देखेंगे और इसमें जो पहली फिल्म रिलीज़ है विक्टिम, अमन मैन लीड प्ले कर रही है इसके अंदर और मेरे दिल से दुआ है कि काफ़ी कामयाबी मिले इनको और बहुत नाम हो इनका, क्योंकि अभी एक्ट्रेस की कमी है हिंदुस्तान सिनेमा में। और विश ऑल द बेस्ट विक्टिम के लिए और डॉन सिनेमा तो हिट है, तो ऑल द बेस्ट विक्टिम की सारी टीम, ऑल द बेस्ट। आपकी स्पेशली थैंक्स मैं करना चाहूँगी महमूद अली जी को। महमूद जी कहाँ पर हैं, प्लीज उन्हें बुला लीजिए, आइए प्लीज। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी मैं महमूद जी का, जिन्होंने बहुत ही बहुत अच्छा उमदा ऐप लाया है और आई एम श्योर कि रॉक करेगा हमारा ऐप एंड विक्टिम के बाद तो ऑब्वियसली बहुत सारी धूम मचने वाली इस चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, यू डिजर्व मोर देन दिस। थैंक यू, थैंक यू एंड पूरे विक्टिम की पूरी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना अच्छे से वर्क करने के लिए, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।